हेलो फ्रेंड्स, ये प्लांट है एग्लोनिमा का। एग्लोनिमा लिपस्टिक प्लांट इसे बोला जाता है क्योंकि इसमें पिंक कलर का वेरिकेशन होने के कारण इसका नाम लिपस्टिक प्लांट पड़ा है। कुछ लोग इसको खाली लिपस्टिक प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसकी पत्तियों में वेरिकेशन होता है। ये वेरिकेशन कम है या ज़्यादा होगा ये इसकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। बहुत सारी वेराइटीज़ में ये आता है। काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन की इसकी पत्तियाँ होती हैं, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और ये एक इंडोर प्लांट है, इसे आप इंडोर रखिए अपनी बालकनी में जहाँ पर धूप नहीं आती है। तो जिन लोगों को अपने घर में सजावटी पौधे रखने का शौक़ होता है वो इस प्लांट को अपने घर में ज़रूर ऐड करिए। इंडोर प्लांट्स इसका मतलब इसमें बहुत कम केयर की और बहुत कम मेहनत की ज़रूरत है। तो आप इस प्लांट को लाइए और ला कर रख दीजिए। बहुत कम ध्यान रखने की ज़रूरत है, फिर भी हम इसकी केयर के बारे में बात करेंगे क्योंकि केयर के बारे में नहीं जानेंगे तो ओवर हम इसकी केयर करके भी इस पौधे को ख़राब कर सकते हैं। तो पहले बात करेंगे हम इसकी वाटरिंग की। इस प्लांट के नीचे के स्टेम में जब पत्तियाँ ख़त्म होती जाती हैं तो ये जो डेड पार्ट होता है ये पार्ट हमारा बहुत ही सेंसिटिव होता है। यदि यहाँ पर हम वाटरिंग ज़्यादा कर देते हैं या इस एरिए पर ऊपर की लेयर पर पानी ज़्यादा इकट्ठा रह जाता है तो ये वाला पार्ट इसमें फंगस लगनी शुरू हो जाती है। इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान रखना है। यदि हमारी मिट्टी ऊपर की लेयर थोड़ी गीली है तो हम इसमें वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको ड्राई होने देंगे। यदि यहाँ पर फंगस लगते हुए नज़र आए तो वाटरिंग बंद कर दीजिए, ऊपर का पार्ट को सूखने दीजिए और थोड़ा हल्दी लगा दीजिए, धीरे धीरे फंगस ख़त्म हो जाएगी। फिंगर से टच करके आप देखेंगे और जब इसमें मिट्टी एक इंच नीचे तक सूखी होगी तब आप इसमें वाटरिंग करेंगे, शावरिंग करेंगे जिससे कि पत्तियां वॉश हो जाएंगी, क्लीन हो जाएंगी तो काफ़ी सुंदर लगती हैं। पत्तियों को क्लीन करना इंडोर प्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। या तो आप इसको वॉश करिए या फिर आप इसकी पत्तियों को किसी कपड़े की हेल्प से भी क्लीन कर सकते हैं यदि आपकी मिट्टी गीली है और आपको पौधे की पत्तियाँ गंदी नज़र आ रही हैं। धूप में ना रखने के कारण इस प्लांट की मिट्टी काफ़ी समय लेती है सूखने में, इसकी पत्तियां गंदी हो जाती हैं। तो आप इसकी पत्तियों को कपड़े से भी साफ़ करके इसको क्लीन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। वैसे ये प्लांट इंडोर है तो धूप में तो नहीं रखना है, लेकिन कुछ लोग इंडोर रखते हैं, सेंटर टेबल पर रख देते हैं, ऊपर पंखा चल रहा होता है, इससे भी हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। पंखे की वजह से हमारे पत्तियों की जो शाइनिंग होती है वो चली जाती है, पत्तियाँ ड्राई होने लगती हैं, हवा के दबाव से हमारे पौधे की स्टेम्स थोड़ी झुक जाती हैं जिससे पौधे की शेप भी ख़राब हो जाती है। इसलिए कभी भी सेंटर टेबल पर अपने प्लांट्स मत रखिए, कॉर्नर टेबल पर आप रख सकते हैं लेकिन ऐसे एरिया में नहीं रखना है जहाँ पर सूरज की रोशनी ना आती हो और थोड़ा अंधेरा हो। इससे नुकसान ये होता है कि हमारी पत्तियों में वेरिगेशन नहीं बन पाता है, ये पिंक कलर बहुत ही कम नज़र आता है। इसलिए हम इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही अच्छी आती हो, जैसे कि बालकनी या फिर बालकनी के पास वाला कोई रूम जिसमें कि रोशनी पूरी आती हो लेकिन धूप ना आती हो। अब बात करेंगे इसकी प्रोपेगेशन के बारे में। इस प्लांट में एक एक स्टेम अलग अलग बहुत सारी निकली रहती हैं। इस स्टेम को हम नीचे की साइड से कट करके प्रोपोगेट कर सकते हैं, कटिंग से हम इस पौधे को लगा सकते हैं। कुछ स्टेम ऐसी होती हैं जो लंबी चली जाती हैं, नीचे से पत्तियां निकलती रहती हैं, तो उन स्टेम्स को हम कट करके नीचे की साइड से हम उसको दूसरे पॉट में या फिर इसी पॉट में भी लगा सकते हैं। इससे दो फायदे हैं, एक तो हमारा पौधा बन जाता है, दूसरा हमारे यहाँ कट करने से बहुत सारी स्टेम्स नीचे से निकलने लगती हैं जिससे पौधा घना हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक कट लगा हुआ है नीचे और आगे से इसके बाद हमारी बहुत सारी स्टेम्स निकली हुई हैं। इससे हमारा पौधा घना होगा और बहुत ही सुंदर भी लगेगा। सॉइल के बारे में बात करते हैं जो प्रोपोगेट करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सॉइल क्योंकि ये इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट काफ़ी स्लो ग्रोइंग होते हैं तो उसके लिए मीडिया बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आप मिट्टी ले रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारा कोकोपीट मिलाइए जिससे कि वो बहुत ही लाइट सॉइल बनेगा। उसमें कंपोस्ट भी ऐड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे खाली कंपोस्ट और कोकोपीट मिलाकर भी आप अपने पौधे को लगा सकते हैं। इससे ये बहुत सॉफ्ट रहता है तो जड़ें आसानी से फैल जाती हैं, मरने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। इस प्लांट में सबसे ज़्यादा फंगस लगने की प्रॉब्लम्स आती है जिसकी वजह से ये कोकोपीट में रहे तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये जो पत्तियाँ नीचे से निकलती हैं उसका ये ड्राई पार्ट हमारा सबसे ज़्यादा फंगस लगने के चांसेस रहते हैं। मेरा ये प्लांट जो मैं मार्केट से लाई हूँ ये पूरा कोकोपीट
में लगा हुआ है और इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट भी ऐड होगी। तो ऊपर की लेयर को मैं सूखने देती हूँ, तभी मैं इसमें पानी देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलाइज़र। इस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड होता है फरवरी मार्च अप्रैल। अपनी लोकेशन के हिसाब से आप इसका ग्रोइंग पीरियड जज करिएगा, क्योंकि मैं गाज़ियाबाद दिल्ली के आसपास की हूँ, तो यहाँ पर फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं प्लांट। और बरसात के मौसम में ये दो टाइम ऐसे हैं जिसमें अच्छे से अच्छा यह हर प्लांट ग्रो करता है। और जिस समय हमारा प्लांट ग्रो कर रहा होता है उसी समय पर हमें इसमें फर्टिलाइज़र देना होता है। या तो आप कंपोस्ट खाद दे दीजिए या फिर हम लिक्विड बनाकर भी दे सकते हैं। लिक्विड में हम चाय पत्ती का पानी, जो कि लीफी प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, या फिर गोबर के खाद का पानी बनाकर भी, कंपोस्ट टी बनाकर भी हम इसे दे सकते हैं, जो कि बहुत तेज़ी से काम करता है और जल्दी जल्दी ये बढ़ने लगता है। स्लीपिंग टाइम की बात करें तो विंटर में इसका स्लीपिंग टाइम होता है। काफ़ी सारी पत्तियां ड्राई हो जाती हैं जिनको हमें कट करके निकाल देना है। बहुत तेज़ गर्मी होने पर भी ये प्लांट स्लीपिंग में चला जाता है, उस टाइम पर भी इसकी ग्रोथ रुक जाती है। उस समय हमें इस प्लांट को शिफ्ट करना है अंडर, क्योंकि उस समय लू चलती है, उससे हमारे सारे पत्ते ख़राब हो जाएंगे और प्लांट भी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस प्लांट को जून के महीने में आप अंदर शिफ्ट कर लीजिए, जहाँ पर पंखे की हवा ना लगे और इस पर बाहर की लू भी ना लगे। स्पेशल टिप वो होती है जो सभी प्लांट्स पर लागू होती है। तो प्लांट का प्रोपगेशन और फर्टिलाइज़र हमेशा उसी समय पर करना चाहिए जब हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो रही होती है, और ये बात सभी प्लांट्स पर लागू होती है। क्या आपको मेरे प्लांट्स के बारे में बताई हुई जानकारी ठीक लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे की इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।